बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त सी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पार्टी वेयर ड्रेसेस के डिज़ाइनिंग। हम फैब्रिक तो ले लेते हैं बट हमारी समझ नहीं आता हम किस तरह से इनको डिज़ाइन करें, लेस किस तरह से इनके ऊपर अटैच करें। तो आज मैं दूँगी आपको कुछ आइडियाज़, होपफुली आपको अच्छे लगेंगे। अगर आपको अच्छे लगें तो कर दिएगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलिए जी फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन ड्रेसेस को। सो फ्रेंड्स, लेते हैं हम इस ड्रेस से स्टार्ट। ये खाड़ी नेट का फैब्रिक है, इस टाइप का ये फैब्रिक है। इसके साथ हमने कंट्रास्ट किया है मरून कलर का। सो ये है इस पर जो हमने लेस यूज़ की है, इसके राउंड नेक पर इस तरह से हमने ये लेस लगाई। इस तरह की मार्बल की ये लेस है, मार्बल स्टोन्स एंड इसके ऊपर ब्राउन कलर का कोरा है। इस टाइप से राउंड नेक पर हमने ये लेस यूज़ की है। देन उसके बाद हमने इस नेक लाइन पर डोरी पाइपिंग की है मरून जामावर से। फिर इसके बाद हमने क्या किया है इस पर, अब मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद हमने इसकी नेक लाइन पर इस तरह से स्ट्रेट में हमने 16 इंच की लेस बिल्कुल स्ट्रेट लगा दी, जिस तरह से हमारी ताबीज़ पट्टी होती है। देखिए इस टाइप की ये नेक लाइन है, ये हो गई इसकी नेक लाइन की लुक। अब हम देखते हैं इसकी स्लीव्स को। तो जी ये हैं इसकी स्लीव्स, इसके इनर की हमने हाफ स्लीव्स ली है। देन इसके बाद हमने स्लीव्स पर भी वही लेस यूज़ की है इस तरह से। ये बड़ी ज़बरदस्त सी लेस है इस टाइप की, ये लेस हमने लगा के ये हमने कुर्ता स्टाइल की स्लीव्स ली हैं लूज पैटर्न पे। फिर हमने इसमें डोरी पाइपिंग की है जामावार के फैब्रिक से मरून कलर के। देन इसके बाद ये मार्बल्स हमने अलग से इस लेस से मैच करके ये मार्बल्स लिए हैं। ये कोरा इसको हमने अलग से इस तरह से स्लीव्स पर थोड़े थोड़े गैप के बाद लगा दिया। देन सेंटर में एक एक हमने स्टोन्स लगा दिया, इससे ये स्लीव्स की बड़ी हैवी सी लुक हो गई अच्छा सा, वरना बड़ी सिंपल सिंपल सी लग रही थी। पूरी स्लीव्स पर हमने इस तरह से थोड़े थोड़े गैप से मार्बल्स और स्टोन्स लगा दिए। तो जी ये हो गई स्लीव्स की लुक। अब इसका बॉटम देख लेते हैं। इसके बॉटम पे हमने इसकी स्लेट पर भी लेस इस तरह से यूज़ की है इस टाइप की स्लेट पर लगाई। देन ऐसे बॉटम में लगा कर फिर हमने स्लेट पर डोरी पाइपिंग की है, इस तरह से हमने फिनिशिंग दे दी। और इसके नीचे हमने यूज़ किया हैं ये टसल्स। ये हमारा जरी का टसल है, ये रेशम का मरून कलर का, इस तरह से हमने इसमें यूज़ करे हैं टसल्स। फिर इसके बाद हमने शर्ट में भी जहाँ तक हमारी स्लिट है वहाँ पर हमने ये मार्बल्स और स्टोन्स यूज़ किए हैं। इस टाइप की हो गई इसकी लुक। तो जी ये थी हमारी शर्ट, ये शर्ट की ओवरऑल लुक है। इसकी बैक साइड देखते हैं, जो इसकी बैक साइड पर हमने देखिए ये डोरी यूज़ की है इस तरह से। ये डरी जरी की डोरी है, डरी की बोल रही हूँ। इसको मैंने इस तरह से इसके ऊपर अटैच कर दिया पूरी राउंड नेक पर। देन फिर ये जो हमारी ये डोरी इस टाइप की मरून एंड बॉटल ग्रीन कलर की, शैम्पियन कलर की इसमें बॉल्स लगी हैं इस टाइप की। ये डोरी हमने इसकी बैक साइड पर लगाई। देन बैक साइड पर भी हमने टसल्स यूज़ किए हैं जो फ्रंट पर, इस टाइप की इसकी लुक है। तो जी ये हो गई इसकी शर्ट। अब हम देखते हैं इसका ट्राउज़र। जामावार का इसका ट्राउज़र है कैप्री, 6 इंच इसका बॉटम है। इस तरह से इसमें इलास्टिक दे दी। ये हो गया इसका ट्राउज़र। इसका दुपट्टा हमने
कुछ इस टाइप का इसका दुपट्टा बनाया है। जो शर्ट का फैब्रिक है वही हमने दुपट्टे का लिया। देन इसके फोर साइड पर इस तरह से 1 इंच की एप्लिक लगा दी इस टाइप से। ये इसका कॉर्नर हो गया। तो जी फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा ड्रेस नंबर 1। होपफुली आपको इसमें से कुछ तो आइडिया मिलेगा अपने ड्रेस के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेस नंबर 2। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकंड ड्रेस। कॉफ़ी से कलर का ये ड्रेस है। इस टाइप का इसके ऊपर सीक्वेंस की एम्ब्रॉयडरी है, ग्लिटरी सीक्वेंस है। ये इस टाइप की शर्ट है। अच्छा, इसकी हमने सिंपल राउंड नेक बनाया है बिकॉज इसके ऊपर इतनी एम्ब्रॉयडरी थी, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की। देन उसके बाद हमने इसके सेंटर में ये कोरे के टसल्स यूज़ किए हैं। इस टाइप के ये टसल्स हैं। थोड़े थोड़े गैप के बाद में भी 4-5 इंच का गैप है, उसके बाद हमने एक एक ये टसल्स यूज़ किया है इसमें इस तरह से। देन इसकी ये स्लीव्स जो हैं हमने बिल्कुल प्लेन रखी हैं। जो हमारा ट्राउज़र का फैब्रिक था उसकी हमने ये स्लीव्स प्लेन रख के जस्ट इसके ऊपर ये कोरे की लेस लगा दी। अच्छा, ये फैब्रिक जो है ना, इस सीक्वेंस की वजह से ये स्लीव्स का फैब्रिक बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। ये इसके ऊपर हमने लेस यूज़ की है। देन ये है हमारी स्लिट जी। हो गई ये हमारी शर्ट की लुक। इसकी स्लिट हमने जस्ट सिंपल सी इसके ऊपर तुरपाई कर दी। देन इसके बॉटम में इस तरह से कटवर्क करवा दिया इस टाइप का। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल सी डिज़ाइनिंग है, इसमें ना कोई ज़्यादा लेसेस बटन्स यूज़ हुए हैं। देन ये हो गई इसकी बैक साइड। इसकी बैक साइड बिल्कुल सिंपल है। इसका ट्राउज़र देखते हैं फ्रेंड्स। ये इसका ट्राउज़र है कैप्री, इस टाइप का कैप्री इसका ट्राउज़र है, शामूस फैब्रिक का। और इसका दुपट्टा हमने इस तरह से इसका नेट का दुपट्टा बनाया है। सो फ्रेंड्स, ये इसका दुपट्टा है, इस टाइप का नेट का दुपट्टा है। इसके बॉटम में जस्ट हमने इस तरह से टसल्स यूज़ किए हैं। थोड़ी थोड़ी गैप के बाद से 5 टसल्स हमने इसके बॉटम में लगा दिए। बाकी बिल्कुल सिंपल दुपट्टा है। ये ड्रेस हमारा बिल्कुल सिंपल सिंपल सा था। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग कंप्लीट। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट डिज़ाइनिंग के साथ। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।